जीके इन शॉर्ट पर जीके पढ़ने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर लें ताकि आगे जो भी वीडियोस आएंगे उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। वेलकम फाइंडर्स, आप देख रहे हैं जीके इन शॉर्ट। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। अगर आप भी इस वीडियो में इंटरेस्टेड है तो इसे कम्प्लीट जरूर देखें। ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि ऐसे वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहे। और आप हमारे जीके के ऐप को भी डाउनलोड जरूर कर लें, लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अरुणाचल प्रदेश भारत के 28 राज्य में से एक है जो कि भारत के पूर्व में बसा हुआ है। इसकी सीमा भारत के पड़ोसी देशों से लगती है जिनके नाम भूटान, म्यांमार और चीन है। इसके अलावा इस राज्य की बॉर्डर भारत के कुछ अन्य राज्य असम और नागालैंड से भी मिलती है। अब हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री पेमा खांडू है जिन्होंने इस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ 17 जुलाई 2016 को ली थी। पेमा खांडू भारतीय जनता पार्टी दल से संबंध रखते हैं। अरुणाचल प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री प्रेम खांडू थुंगन थे। उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ 13 अगस्त 1975 को ली थी। प्रेम खांडू जी 18 सितंबर 1989 तक अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर कार्यरत रहे थे। यह जनता पार्टी से संबंध रखते थे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने जाना अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके ही जाएं। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ जल्द। तब तक के लिए धन्यवाद।